हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि BCA करें या BCS करें। देखिए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन करें या बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस करें, तो दोनों में से कौन सा कोर्स आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन सा कोर्स आपके लिए अच्छा है, इसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे इस वीडियो में कि यह दोनों कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, पात्रता क्या होती है, उसके बाद दोनों कोर्सेज करने के लिए कितनी फी लगती है, उसके बाद दोनों कोर्सेज के बाद कितनी सैलरी आपको मिलती है, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दोनों कोर्सेज के बाद आपको कौन कौन से जॉब्स मिलते हैं, जो स्कोप है दोनों कोर्सेज का वो कैसे आगे चल के, तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करके लाइक भी कर देना। और चलिए देखते हैं कि BCA करें या BCS करें। तो देखिए, यहाँ पे हम जो है जनरल इन्फॉर्मेशन देखेंगे, उसके बाद एलिजिबिलिटी, ड्यूरेशन कितना होता है, फी, जॉब्स कौन कौन से मिलते हैं, उसके बाद सैलरी कितनी मिलती है दोनों कोर्सेज के बाद, तो लास्ट तक देखना। और देखिए, जो BCA होता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो यहाँ पे जो ज़्यादा फोकस कहाँ पे रहता है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, एप्लीकेशन डेवलपमेंट होता है, जो होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, और ज़्यादा फोकस जो है प्रैक्टिकल नॉलेज पे। यहाँ पे देखिए, मैं जो बोलता रहा हूँ, प्रैक्टिकल जो नॉलेज होता है इस पर ज़्यादा फोकस रहता है BCA का। और जो BCS है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस के जो थ्योरेटिकल अप्रोच ली जाती है कंप्यूटर साइंस में, यहाँ पे जो ज़्यादा थ्योरी पे फोकस होता है। देखिए, यहाँ पे प्रैक्टिकल पे था, यहाँ पे थ्योरी पर था, एक थोड़ा हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस अगर हम देखें दोनों कोर्सेज में, तो ज़्यादा डिफरेंस इसी में आता है कि ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है और ये थ्योरी ओरिएंटेड है, बाकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि दोनों के बाद जो आप IT सेक्टर में जा सकते हो, दोनों कोर्सेज के बाद है IT सेक्टर में आपको अच्छे खासे जॉब मिल जाते हैं। और अगर एलिजिबिलिटी देखते हैं, देखिए BCA के लिए आपको जो है 12th पास होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हो, एनी स्ट्रीम, मतलब आर्ट, साइंस, कॉमर्स, तो आप कर सकते हो BCA के लिए, वहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं आती। बट अगर आपको BCS करना है, तो आपको 12वीं साइंस पास होना चाहिए। देखिए, 12वीं साइंस जो होता है तो वो पास होना चाहिए, प्लस मैथ सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, तभी आप BCS कर सकते हो। और ड्यूरेशन देखोगे तो BCA 3 साल का, जिसमें 6 सेमेस्टर होते हैं, और BCS भी जो है 3 साल का होता है, जिसमें 6 सेमेस्टर आपको देने पड़ते हैं। और फी की बात करें तो, अगर देखिए, जो फी होता है डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज में जा रहे हो। देखिए, अगर आप जो गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पे काफ़ी कम फी लगती है, और अगर प्राइवेट या टॉप कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फी आपको देनी पड़ती है। बट एक एवरेज अगर हम फी निकालें तो लगभग 25,000 से लेकर 45,000 देनी पड़ती है आपको पर ईयर के लिए, BCA के लिए। BCA अगर आपको करना है तो 25,000 से लेकर 45,000 तक आपको पर ईयर के लिए देनी पड़ती है, और अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो ये बहुत कम होगी, यहाँ पे लगभग 10,000 भी आपको देनी पड़ सकती है, कम रहती गवर्नमेंट कॉलेज में। और BCS की जो फी होती है लगभग 35,000 से लेकर 55,000 तक आपको पर ईयर के लिए देनी पड़ती है, और यहाँ पे भी जो अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो काफ़ी कम फी देनी पड़ेगी। और अगर आप टॉप कॉलेज में जाते हो, बहुत ही टॉप कॉलेज में अगर आप गए, तो आपको जो है लगभग 1 लाख तक की भी फी देनी पड़ सकती है, 1 लाख पर ईयर के लिए भी देनी पड़ सकती है, अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज में जाओगे। उसके बाद देखिए, अगर हम जॉब या स्कोप के बारे में देखोगे, दो जैसे मैंने बताया, दोनों के बाद आप IT सेक्टर में जा सकते हो, तो BCA के बाद जो जॉब्स होते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर आप बन सकते हो, वेब डेवलपर होगा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होगा, IT कंसल्टेंट होगा, ये जो जॉब्स है जो आप कर सकते हो BCA के बाद। जो स्कोप होता है IT सेक्टर में, स्पेशली IT सेक्टर में आप जा सकते हो BCA के बाद, और BCS के बाद देखोगे तो वहाँ पे भी जो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, सिस्टम एनालिस्ट होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा, रिसर्च असिस्टेंट होगा, काफ़ी ज़्यादा स्कोप दोनों कोर्सेज का काफ़ी अच्छा है। बट एक बात है कि अगर आपको IT सेक्टर में जाना है, काफ़ी आसानी से अगर आपको प्लेस होना है, तो मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में आप BCA कर लेना, क्योंकि BCA में क्या होता है कि ज़्यादातर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जो सिलेबस होता है, तो वो आपको प्लेसमेंट के वक्त जो है काम आता है, मतलब जब आप प्लेसमेंट के लिए जाओगे तो वहाँ पे BCA वालों को जो है आसानी होती है, अगर हम कंपेयर करें BCS से। तो मेरे ओपिनियन में BCA काफ़ी अच्छा रहता है। और अगर हम सैलरी देखें तो सैलरी डिपेंड करती है आपका नॉलेज हो गया, कॉलेज हो गया। देखिए,
अगर आपका कॉलेज अच्छा है तो इन कैंपस अगर इंटरव्यू हो रहा है, देखिए इन कैंपस अगर इंटरव्यू हो रहे है तो वहां पे जो आपको प्लेसमेंट अच्छी भी मिलती है और पैकेज जो होता है काफी अच्छा लगता है, हाई पैकेज लगता है अगर आपको इन कैंपस हो रहा है तो। कॉलेज भी मैटर करता है और आपका नॉलेज तो हमेशा मैटर करता है, बट अगर हम एक एवरेज फी निकाल सैलरी निकाले, एवरेज जो सैलरी मिलती है तो बीसीए वालों को लगभग 3 लाख से लेकर 6 लाख तक का पैकेज पर ईयर के लिए मिल जाता है। ऑन एवरेज पैकेज बोलते हैं इसे, तो 3 लाख से लेकर 6 लाख तक का पैकेज पर ईयर के लिए बीसीए वालों को मिल जाता है। और बीसीएस वालों का देखे तो वहाँ पे लगभग 4 लाख से लेकर 8 लाख तक का पैकेज आपको पर ईयर के लिए मिल जाता है बीसीएस वालों के लिए। तो इसके रिलेटेड और कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं जो आपको हमेशा रिप्लाई करते रहता हूँ।